व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सिरी एजुकेटेड यूट्यूब चैनल। हम चर्चा कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश का मैप और आज बात करेंगे हम कंपैरिजन, यानी कि जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और पूरे भारत की जनसंख्या जनगणना को 2011 से कंपैरिजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है जनगणना को, जनसंख्या को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या को लेकर, साक्षरता दर को लेकर, दस के वृद्धि दर को लेकर। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर हम भारत की बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और ये भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, क्लियर, स्लाइड दिख रही है आपको, आ जाओ। क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर पूरे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। क्लियर, कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, फिर पुरुष जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, महिला जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, और यही प्रतिशत में दस की वृद्धि दर की ओर से उत्तर प्रदेश का स्थान चौदहवा है भारत में, जबकि उत्तर प्रदेश की दस की वृद्धि दर कितने परसेंट, 20.2% और पूरे भारत की 25.85%। फिर जनघनत मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, पूरे भारत का 690,829, उत्तर प्रदेश का 9वां राज्य जनसंख्या दृष्टि के हिसाब से, और राज्य की दृष्टि से देखा तो चौथा है। ठीक है, फिर शिशु लिंगानुपात पूरे भारत का है 898, जबकि यूपी का है 912, तो 26वां स्थान है यूपी का। फिर 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात, तो 916 है पूरे भारत का, जबकि उत्तर प्रदेश का 902 है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का भारत में 26वां स्थान है। साक्षरता दर प्रतिशत में पूरे भारत की है कितनी, 56.27%, और जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है, 67.7%, 29वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर 68.82 पूरे भारत की है, जबकि 77.3% उत्तर प्रदेश की, यानी 29वां स्थान रखता है। महिला साक्षरता दर 42.22% है पूरे भारत की, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में महिला की साक्षरता दर कितनी है, 57.2%, 31वां स्थान पूरे भारत में है। तो ये स्लाइड आपको अच्छे समझ में आई होगी, आई होप। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक जनगणना उत्तर प्रदेश 2011 के आंकड़ों के अनुसार, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार, तो हिंदू धर्म के लोग पूरे भारत में 79.80% है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 79.73% उत्तर प्रदेश में हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिम जनसंख्या पूरे भारत की 14.23%, और जबकि इसका 14.23% का 19.26% पूरे उत्तर प्रदेश में है। ईसाई कम्युनिटी पूरे भारत में 2.30% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 0.18% है। सिख कम्युनिटी 1.72% है, उत्तर प्रदेश में 0.32% है। बौद्ध कम्युनिटी पूरे भारत में 0.70%, और इसकी भी उत्तर प्रदेश में 0.10% है। जैन धर्म पूरे भारत में 0.37% है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका 0.11% है। अन्य धर्म से संबंधित 0.66% के लोग भारत में निवास करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 0.01% लोग निवास करते हैं। यह हमारा धार्मिक जनगणना 2011 के हिसाब से आंकड़े थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है घटते क्रम में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर की संख्या है, कौन कौन से, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है, और
आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना थी ये। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका धन्यवाद।